दोस्तों, आपने कोलकाता के प्रसिद्ध और जागृत मंदिर दक्षिणेश्वर के बारे में जरूर सुना होगा। ये मंदिर कई सालों से कोलकाता का एक महान धार्मिक स्थल बना हुआ है। पर क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि इस मंदिर में पुजारी पैर रखने से भी डरते थे। हिंदुओं की पुरानी जाति व्यवस्था और बंगाल की कुलीन प्रथा की वजह से यहाँ रहना उस समय काफी जोखिम भरा माना जाता था। उस समय एक शुद्ध जमींदार की विधवा पत्नी रासमणि ने ऐसा काम कर दिखाया कि आज तक इस मंदिर का नाम भारत के महान धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। कहते हैं कि राममणि को एक रात माँ काली ने सपने में दर्शन दिए और उनसे मंदिर बनवाने की बात कही। रासमणि काली माँ की आज्ञा से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाना चाहती थी। जमींदार परिवार से होने के कारण उनके पास धन की कमी तो नहीं थी, पर इस मंदिर के बनने के बाद इस मंदिर में किसी भी पुजारी ने पूजा करने से मना कर दिया, क्योंकि बंगाल में उस समय के लिहाज से एक शूद्र स्त्री द्वारा मंदिर का निर्माण करवाना तत्कालीन राजा के नियमों के खिलाफ था। मंदिर बनाया गया और मंदिर का नाम रखा गया दक्षिणेश्वर माँ काली मंदिर। बता दें कि इस मंदिर को बनाने में 8 वर्ष लगे और कुल 9 लाख रुपए की लागत आई। इस मंदिर में रामकृष्ण परमहंस जी के आने के बाद लोगों की श्रद्धा इस मंदिर के प्रति और बढ़ गई। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कहा जाता था कि रामकृष्ण पूरा दिन माँ काली को निहारते रहते थे।